हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निकी आर्ट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ अपना खुद का सेल्फ पोर्ट्रेट। और ये जो पोर्ट्रेट होगा, मैं जो खुद का बना रही हूँ, ये मैंने एक ऐप यूज़ करके कन्वर्ट किया अपनी फ़ोटो को, तो उसी को देख के मैं बनाऊँगी। और जो मैं दूसरा पोर्ट्रेट बनाऊँगी, वो मैं बनाऊँगी अपनी क्यूट से प्यारी सी पपी का, मैक्स का, जो मेरा प्यारा सा पेट है वो। तो फ्रेंड्स, ये जो पोर्ट्रेट है, ये मैं पहली बार ही बना रही हूँ, तो मैं कैनवास बोर्ड पे नहीं बनाऊँगी पहले। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं पोर्ट्रेट कैसे बनाने वाली हूँ। ज़्यादातर हमने वीडियोस में देखा है कि वो कैनवास बोर्ड को लेते हैं, पेंसिल लेते हैं और उस पर बना देते पोर्ट्रेट, फिर उस पर कलरिंग कर लेते हैं तो उनका बन जाता है। अब यहाँ पर ये है कि मैं पहली बार बना रही हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट कैनवास बोर्ड पर नहीं बना के पेपर पर बनाऊँगी और फिर उसमें कलरिंग करूँगी, फिर उसको काट के कैनवास पे बैकग्राउंड कलर करके उसको स्टिक कर लूँगी। तो इससे बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन वर्क होगा, तो मैं इस तरीके से बनाने वाली हूँ। Oh,
तो गाइस क्या आप एक्साइटेड हो मैक्स को मेरा पोर्ट्रेट देखने के लिए? तो कैनवास को तो उसकी पेंटिंग मिल चुकी है, ड्राइंग मिल चुकी है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसा बनाया है। तो आप भी इस वीडियो में बताना कि आपको सबसे अच्छा पोर्ट्रेट किसका लगा, मेरा अच्छा लगा या फिर मैक्स का अच्छा लगा। इसका बैकग्राउंड आपको कैसा लगा वो भी आप बताना। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, 1 2 3 एंड गो। 1 1 2 3 तो ये रहा मेरा मैक्स का पोर्ट्रेट है ना, ये कितना ज़्यादा क्यूट। हाँ दीदी ये बहुत क्यूट बनाया आपने। कैनवास पोर्ट पेंटिंग बिल्कुल तैयार है और ये रहा मेरा पोर्ट्रेट और ये रहा मैक्स का पोर्ट्रेट। तो आपको इन दोनों में से सबसे अच्छा कौन सा पोर्ट्रेट लग रहा है? मैक्स लग रहा है ना कितना ज़्यादा क्यूट, और मेरा भी अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको मैक्स का सबसे ज़्यादा क्यूट लग रहा है तो मैक्स लिखना, मेरा अच्छा लग रहा है तो निकी लिखना। थैंक यू।